दोस्तों, एक बार एक पुत्र अपने बूढ़े पिता को डिनर के लिए एक अच्छे रेस्टोरेंट में लेके गया। खाने के दौरान वृद्ध पिता ने कई बार भोजन अपने कपड़ों पर गिराया। रेस्टोरेंट में दूसरे खाना खा रहे लोग वृद्ध को घुणा की नजरों से देख रहे थे, लेकिन उनका पुत्र शांत था। खाने के बाद पुत्र बिना किसी शर्म के अपने पिता को बाथरूम में लेके गया, उनके कपड़े साफ किए, चेहरा साफ किया, बालों में कंघी की, चश्मा पहनाया और फिर बाहर लाया। खाना खा रहे सभी लोग खामोशी से उन्हें देख रहे थे। फिर उसने बिल का भुगतान किया और अपने पिता के साथ जाने लगा। तभी डिनर कर रहे एक अन्य वृद्ध ने उसे आवाज़ दी और पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ अपने पीछे कुछ तुम छोड़कर जा रहे हो? उसने जवाब दिया, नहीं सर, मैं कुछ भी छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। वृद्ध ने कहा, बेटे, तुम यहाँ प्रत्येक पुत्र के लिए एक शिक्षा, सबक और प्रत्येक पिता के लिए उम्मीद छोड़कर जा रहे हो। आमतौर पर हम लोग अपने बुजुर्ग माता पिता को अपने साथ बाहर ले जाना पसंद नहीं करते और कहते हैं, क्या करोगे, आपसे चला तो जाता नहीं, ठीक से खाया भी नहीं जाता, आप तो घर पर ही रहो, वही अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप भूल गए कि जब आप छोटे थे तब आपके माता पिता आपको अपनी गोद में उठा कर ले जाया करते थे? आप जब ठीक से खा नहीं पाते थे तो आपकी माँ अपने हाथों से खाना खिलाती थी और खाना गिर जाने पर डांटने प्यार जताती थी। फिर वही माँ बाप बुढ़ापे में बोझ क्यों लगने लगते हैं? माँ बाप भगवान के रूप में होते हैं, उनकी सेवा कीजिए और प्यार दीजिए, क्योंकि कभी आप भी बूढ़े होंगे। अपने माँ बाप का सर्वदा सम्मान करिए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया